एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है लिफ्ट के अंदर से। तो अभी हम चलते हैं, तिब्बती मंदिर है जो, तो वहां चलते हैं, वहीं से होगा हमारा आगे का ब्लॉग। तो ये मेन द्वार है मंदिर का, और अंदर जाते ही पहले ये एक मूर्ति आती है, बड़ी सी बना हुआ स्टैचू। साथ ही एक पिलर है जिसपे इनकी लैंग्वेज में कुछ लिखा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ। तो अभी चलते हैं मंदिर की ओर। और यहाँ पे ये देखिए, ये शोरूम टाइप बना, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। ऊपर अभी पहुंच गए हैं, इससे भी ऊपर जाना, वहां पे ये मंदिर। तो यहाँ देखिए क्या है, ये दिखाती हूँ आपको। तो ये पूरा टेंट वगैरह लगे हुए हैं, पंडाल जैसे होता है वैसे पूरा ये ग्राउंड बनाया हुआ। और दूर दूर तक गार्डन है, वहां पे पेड़ भी हैं। तो काफी टूरिस्ट आए हैं, आज संडे है। तो अभी ऊपर जा रहे हैं, वहीं पे महात्मा बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति है जो मंदिर बना हुआ। तो ये बाहर से ऐसा दिख रहा है, हम अंदर जाके भी दर्शन करेंगे। तो इन्हें घुमाने से लाखों मंत्र के जाप जितना पुण्य मिलता है, ऐसा ही लिखा है आगे बोर्ड मैंने पढ़ा। तो इसको बाएं हाथ की तरफ घुमाना चाहिए। तो ये देखिए बोर्ड, इसके बारे में सब कुछ लिखा है। और यहाँ पे भी ये लैंग्वेज तिब्बती लैंग्वेज ही है ये। तो अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। तो ये देखिए महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी वाली मूर्ति, और ऐसे लगता है दिखने में कि वो स्वयं बैठे हुए हैं। तो अंदर आके बहुत ही शांत सा माहौल लगता है, और बहुत ही साफ सुथरा। सबको मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन लोगों ने यहाँ आके खोल दिया क्योंकि सारे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं अभी। माथा टेकने के बाद अभी हम आ गए हैं बाहर। अभी हम चलते हैं और यहाँ बाहर आ गए हैं। यहाँ पे मंकी घूम रहा है, हमें देख के भाग गया। और यहाँ से पूरा मैक्लोडगंज दिखता है, और पहाड़ भी दिख रहे हैं। अभी आगे एक और मंदिर है, वहां पे भी हमने जाना है। तो यहाँ पे मंकी रोटी खा रहा है, और मैं इसके बहुत ही पास चली गई थी और मुझे ऐसे झपट्टा मार रहा था। तो अभी इसको रहने देते हैं क्योंकि ये रोटी खा रहा है और डिस्टर्ब हो रहा है। हम चलते हैं अभी आगे। तो अभी नीचे चलते हैं। तो इधर भी ये वाला मंदिर देखिए।
मंदिर से होके आगे अभी, और गाड़ी बहुत दूर लगी हुई है, तो पूरा अभी ये मार्केट हमें पैदल ही जाना है। और यहाँ पे है स्काईवे, जहाँ पे हमने टिकट ली है रोपवे की, तो यही है वो। पहले मैं सीधा अंदर ही चली गई थी, बाहर से आपको दिखाया नहीं था, तो ये है उसका स्टेशन, यहीं से टिकट मिलती है। तो यहाँ पे एक भाई बैठे हैं, बहुत ही अच्छी सी धुन बजा रहे हैं। तो बाजार घूमते घूमते, और जो हमें अच्छा भी लग रहा था, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की हमने। और यहाँ पे एक और मंदिर है, लेकिन यहाँ पे हम गए नहीं थे, दूर से ही माथा टेक लिया। ये भी तिब्बती मंदिर ही है। अभी ऊपर तक तो आ गए हैं, अभी हमने गाड़ी लेनी है, उससे पहले आइसक्रीम खानी है। तो गाड़ी तक पहुंच गए हैं, पहले आइसक्रीम गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं, फिर चलते हैं अभी घर की तरफ। तो अभी हम चल पड़े हैं पठानकोट की तरफ, मकलोडगंज को बाय बाय करते हुए, और बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये वीकेंड। तो जाते समय हमें दिखी है ये खूबसूरत सी चर्च, लेकिन इस बार तो हमें मौका नहीं मिला, अगली बार जरूर इसके अंदर भी जाएंगे जब नेक्स्ट टाइम घूमने आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग और हिमाचल का टूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।